बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं छत पर लगे हुए जो वाटर स्टोरेज टैंक हैं उनके ओवरफ्लो होने पर बात करूंगा। ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमने चूंकि अंदर नो रिटर्न वाल या सेफ्टी वगैरह नहीं लगाई होती हैं, या कोई बजर कोई और जब टैंक भर जाता है तो उसके ऊपर कोई अलार्म वगैरह सिस्टम नहीं लगाया होता। अब होता क्या है कि आपका अगर घर ट्यूबवेल के नज़दीक है या फर्स्ट फ्लोर तक, ट्यूबवेल का पानी जो है प्रेशर के साथ टैंक के अंदर जाता रहता है, आपको मोटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और टैंक के ऊपर से भी निकलना शुरू कर देता है। अब सुबह के टाइम चूँकि हमें जो है ज़्यादा सोने की आदत अगर है तो उसमें ये कि पानी कंटिन्यू बहता रहेगा और ये घंटों ये सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों, पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक जो नेमत दी हुई है ज़मीन के अंदर से हम पानी निकालते हैं। अब और जब ये पानी घरों तक पहुंचता है तो हम इसका ख्याल नहीं करते और बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की इस नेमत की हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हर हाल में जो है इसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए और सेव रखें। दोस्तों, ये देखें कि ये टैंक लगा हुआ है ओवरफ्लो। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये पाइप भी लगा हुआ है इसका, लेकिन टैंकी का चूंकि ढकना आंधी की वजह से कहीं दूर जाकर गिर गया है और टैंक के ऊपर से पानी जो है मुसलसल बह रहा है। और ये जो है ऐसा सिलसिला कई हज़ारों घरों के ऊपर जो टैंक लगे होते हैं, कई सैकड़ों में जो है ढकना नहीं होता या ओवरफ्लो होता है। ये देखिए, टैंकी के प्रेशर ज़्यादा नहीं, फट भी गई है, डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से इधर से भी पानी का लीकेज जो शुरू हो चुका है। दोस्तों, ओवरफ्लो जो पाइप है वो इस तरह लगाएं कि आपके कमरे की साइड पे जाकर पानी नीचे गिरे, आपको पता चल जाए, आप मोटर बंद कर दें। और नीचे जो है उसमें ये कि आप वाल लगा सकते हैं, जब भर जाए तो आप वाल को बंद कर दें। इसी तरह जो है बाज जगहों पे आपने देखा होगा कि टैंक के ऊपर जो है ऑटोमेटिक स्विच लगाया जाता है, वो मोटर को चला भी देता है और जब टैंक भर जाता है बंद कर देता है। या उसके साथ आप बेल लगाकर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जैसे ही टैंक फुल हो और नीचे बजर बजना शुरू हो जाए तो आप हैंड जो है वाल्व वो लगाकर उसको बंद कर सकते हैं। पानी का जो है दाखला वो बंद कर देंगे तो टैंक के अंदर पानी स्टोरेज रहेगा और नीचे आप इस्तेमाल कर। इसी तरह ये देखें कि ये जो मैं वाल्व दिखा रहा हूँ, ये जो है खुदकार ऑटोमेटिक वाल्व है, ये आप लगा दें। इसमें ये क्या होगा कि जैसे ये बॉल नीचे होती है तो पानी टैंक के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और जब भर जाती है तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली। दोस्तों, हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने वाटर टैंक का मुआयना ज़रूर किया करें, इसके ओवरफ्लो को चेक किया करें और आप पानी को सेव करने के तरीका ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल KHOOJ खोजी टीवी नाम से इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका अमीन नासिर हो।